बच्चों जरा यह चित्र ध्यान से देखो। इसमें माही अपनी नानी जी के घर देहरादून आई है। नानी ने उसे नई गुड़िया दी है। गुड़िया पाकर उसे बहुत खुशी हुई। बच्चों किस सोच में पड़ गई? मैडम क्या सुना रही है आपको? आइए देखते हैं ये किस किस के नाम हैं। व्यक्ति का नाम माही नानी जी, स्थान का नाम घर देहरादून, वस्तु का नाम गुड़िया और भाव का नाम खुशी। अब आपको कुछ समझ में आया कि मैम आपको क्या बताने वाली है? सोचो सोचो। बिल्कुल ठीक। आज मैं आपको संज्ञा के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, विराट कोहली, पशु पक्षी, सब्जी, खिलौना, खुशी, गुस्सा, बचपन आदि। इन्हीं आधारों पर संज्ञा के तीन भेद किए जाते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा।